2002 में जब मेरी शादी हुई तब मेरे इन-लॉज फैमिली ने कहा कि हम आपको गाड़ी, फर्नीचर, होम अप्लाइंसिस के आइटम्स देना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़की है, हमें कुछ तो देना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मुझे कोई कार या कुछ और ना देके, दहेज ना देके, मुझे दान में एक एम्बुलेंस दे दो जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। मेरा नाम हिमांशु कालिया है और मैं सन 2002 से समाज सेवा के क्षेत्र में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा चलाना और गरीब लोगों का दाह संस्कार करवाना और अगर किसी के यहाँ डेथ हुई है तो उनके यहाँ शव वाहन पहुँचाना और जिन लोगों के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है उन लोगों को मेडिसिन्स पहुँचाना, ये सेवा मैं 2002 सन से कर रहा हूँ। 1992 में मेरी उम्र 14 साल थी और मेरे पिता का रोड एक्सीडेंट हुआ था और हमें किसी तरह की मदद नहीं मिली थी और हमारे पास साधन भी नहीं था, कोई वाहन भी नहीं था और बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से संपर्क किया लेकिन किसी से भी मदद नहीं मिल पाई और मदद ना मिलने की वजह से मैंने 6 से 7 हॉस्पिटल रिक्शा के माध्यम से चेंज किए। 7 बजे ये दुर्घटना हुई और रात 2 बजे जब मैं एम्स में पहुंचा तो डॉक्टर्स ने सबसे पहली बात मुझे ये बोली कि समय पर अस्पताल ना पहुंचाने की वजह से आपके पापा कोमा में चले गए हैं। और उस समय मैंने डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा प्लीज़ पापा को बचा लो। और जब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे उसके बाद बाहर आकर के मैंने अस्पताल के बाहर आकर के प्रार्थना की भगवान के आगे कि भगवान पापा को बचा लो और मुझे इस काबिल बनाना जो दिन मैं आज देख रहा हूँ फिर वो कभी किसी बच्चे को ना देखने दूँ। और 2002 में जब मेरी शादी हुई तब मेरे इन-लॉज फैमिली ने कहा कि हम आपको गाड़ी, फर्नीचर, होम अप्लाइंसिस के आइटम्स देना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा नहीं, लड़की है, हमें कुछ तो देना ही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो आप मुझे कोई कार या कुछ और ना देके, दहेज ना देके, मुझे दान में एक एम्बुलेंस दे दो जिससे मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। वो शॉक जरूर हुए लेकिन जब मैंने उन्हें अपना मिशन, संकल्प और अपना हादसा बताया तो वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मेरी बात मानी और मेरी शादी के मंडप के बाहर एम्बुलेंस सजी खड़ी थी जिससे मैंने ये सेवा शुरू की और ये सेवा का सिलसिला आज 15 एम्बुलेंसेस तक पहुंच चुका है। और आज इन 15 एम्बुलेंसेस की बदौलत इन 19-20 सालों में 80,000 से ज़्यादा लोगों को निशुल्क सेवा दी जा चुकी है। जब मेरी बिटिया 1 साल की थी तब मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, एक ऐसी महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसका वर्ल्ड वाइड कोई इलाज नहीं है, वो हुआ और डॉक्टर्स ने 6 महीने की मेहमान बताया। लगातार टेस्ट करा रहे थे। एक बार मैं टेस्ट करा के जब पहुंचा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला कि लगता है रिपोर्ट गलत आ गई, आप कहीं और से टेस्ट कराओ। हमने 3-4 अलग अलग और लैब से टेस्ट कराया एंड देन डॉक्टर वाज शॉक्ड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कहते हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव ज़िंदगी में अगर एक बार हो जाए तो कभी रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है और इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ शो कर रहा है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। 2009 में ये सिचुएशन हुई और जब ट्विंकल को ये बात पता चली तो ट्विंकल ने कहा आपके सेवा की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से अगर ये मुझे जीवन मिला है तो अब मैं अपनी आगे की बची हुई ज़िंदगी भी सेवा में लगाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इसके लिए क्या सोचा? तो कहती आप मुझे अपनी तरह एम्बुलेंस चलाना सिखाओ और मैंने सिखाया। और वो दिन है और आज का दिन है, लगभग 10,000 से ज़्यादा केसेस ट्विंकल ने खुद अटेंड किए एम्बुलेंस चला के। तो ये उसने जो एफर्ट्स डाले और वही है
कि आज भगवान ने उसे इतनी क्षमता बख्शी है कि अभी रिसेंटली उसे कैंसर डायग्नोस हुआ, कैंसर का ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ, डॉक्टर्स ने बोला कि आप के अंदर वीकनेस है, आप चल नहीं सकते, सिर पे उसके बाल नहीं है, मतलब इतनी सिचुएशंस के बीच जब सेकंड वेव आई, तो जब मैं पानी के लिए भी मांगता था घर पे या बच्चे मांगते थे तो ये बेड से उठ के किचन तक नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर हमने एक ही दिन में दूसरा रूप क्या देखा कि कहीं से कॉल आ रही है कि डेड बॉडी उठानी है, ट्विंकल एम्बुलेंस लेके जा रही है, डेड बॉडी उठा के रख रही है। एक ही दिन में कहीं ऐसी सिचुएशन है कि पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, ट्विंकल उनको हॉस्पिटल लेके जा रही है। मेरे हस्बैंड जैसे वन मंथ कम से कम वो बेड पे थे, तो डायलिसिस, वो चल नहीं पाते थे, तो उनके लिए मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी। वीक में 2 बार मुझे डायलिसिस ले जाना होता था, तो मैं जब भी कॉल करती थी तो मुझे उसी टाइम एम्बुलेंस अवेलेबल कराते थे, लाना ले जाना उनको डायलिसिस पे, तो उन्होंने मेरे पूरी हेल्प करी उसमें। मेरे थ्रू मैं भी कई लोगों को बताती थी कि हाँ आप इनसे बोलो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनके यहाँ से एम्बुलेंस आपको मिलेगी, चाहे हम रात को बुला रहे हैं, कभी मुझे हॉस्पिटल से भी लेके आना है, लेके जाना है, जिस टाइम भी मैं कॉल करती थी तो उनको ये होता था कि नहीं एम्बुलेंस आपके लिए उसी टाइम अवेलेबल होगी। एक्चुअली मेरे को और मेरे हस्बैंड को दोनों को कोरोना हो गया था, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है और कोई नहीं है, तो पहले तो बेटी देखती रही, पर नीचे फिर ट्विंकल ने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी। मेरे हस्बैंड 3 दिन में एक्सपायर हो गए, उससे पहले वो हॉस्पिटल तक भी लेकर गई हैं पर वो बच नहीं पाए। उसके बाद संस्कार भी उन्होंने ही कराया मेरी बेटी के साथ जाके। दिल्ली के सभी साथी, बड़े बुज़ुर्ग और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए एक ही संदेश है कि जहां आपको लगता है आप किसी के काम आ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक जानवर चाह के भी दूसरे जानवर के काम नहीं आ सकता, लेकिन एक इंसान ही है जो अगर सोच ले तो किसी दूसरे इंसान को बचा सकता है, उसके काम आ सकता है।